हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण। हम जो भी मैंने आपको HTML में जो आपको PPT थ्रू आपको स्टडी करवाया था वो कंप्लीट हो गया है। जो टैग है, एलिमेंट है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इमेज कैसे रखते हैं, वो हमारा जो थियोरिकल पोर्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओनली ऑन CSS फाइल एंड हाइपरलिंक हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी थियरी बाकी है। वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट यानी कि जो LI एंड UL टैग से हम जो प्रैक्टिकल बनाते हैं वो आपका SWPD जो प्रैक्टिकल है उसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल नंबर 2 इसमें टेबल का यूज़ करना है, और इस तरह से जो प्रैक्टिकल है वो आपको बनाना है। तो मैं आपको ये नोटपैड में दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये जो है ये मैंने कोडिंग लिखा हुआ है नोटपैड में। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जो है वो सेव करना है .html से। और ये सेव हो जाने के बाद जो आपका प्रैक्टिकल था वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये था कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में आप जो भी आइटम डालते हो ओके, वो कैसे बताता है वो हमें देखना है। तो आपको आउटपुट जो है प्रैक्टिकल नंबर 1 का वो इस तरह से बताएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोडिंग करते हो वही कोडिंग को आपको जब लिख देते हो नोटपैड में तब आप जो भी प्रैक्टिकल है उसका नाम दे के .html से सेव करना है, और जब ये सेव हो जाए तब उसे रन कोई भी ब्राउज़र में आप रन करोगे तो आपको इस तरह से आप आउटपुट है वो बताएगा। एंड ऑलरेडी मैंने आपको PDF दी हुई है तो आप नोटपैड में एक बार ट्राई करना कि किस तरह से रन होता है, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिकल था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम टेबल का यूज़ करके प्रैक्टिकल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है राइट HTML प्रोग्राम टू ड्रो टेबल, यानी कि हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो हमें देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर कैसे यूज़ करते हैं, इनलाइनर, सेंटर में आप जो टैग्स लेते हैं वो अलाइन लेफ्ट लेनी है, राइट लेनी है, वो जो भी टैग थे वो आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम जो दूसरा है वो हम न्यू ले लेते हैं नोटपैड, और इसमें आपको इस तरह का कोडिंग लिखना है, ठीक है। ये जो मैंने ये लिखा हुआ है वो HTML टेबल का HTML में टेबल कैसे ड्रॉ होता है वो लिखा हुआ है, और उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रेड रखा है, ओके। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको ये जो प्रैक्टिकल है वो रन कराना है, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट में टेबल दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। तो इसमें आप जो भी टैग्स है वो मैंने अलाइन लेफ्ट ली हुई है, राइट ली हुई है, सेंटर में ली हुई है, जो हमने अगले वीक में हमने देखा था कि मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो टैग है अलाइन टैग उसका हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर, वही टैग मैंने उसमें यूज़ किया है, और बैकग्राउंड जो कलर है वो इसमें मैंने डाला है। तो आप इस तरह से ये जो कोडिंग है वो आप इस तरह से अपने आप खुद ही आप नोटपैड में एक बार करना तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि किस तरह से यूज़ करना है। ए TD जो टैग है वो हम टेबल के लिए यूज़ करते हैं, ओके। ये दो प्रैक्टिकल है, मैं आज के सेशन में कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि CSS फाइल एंड हाइपरलिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, ओके।